बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर। बेटा हम लोग जो है वो बायो मॉलिक्यूल का जो यूनिट है वो पढ़ रहे थे, हमारा कार्बोहाइड्रेट मुकम्मल हो गया था और आज हमने लिपिड्स जो हैं उसकी डिटेल जो है बेटा वो आज हमने पढ़नी है। चलें उसको शुरुआत कर लेते हैं। देखो बेटा लिपिड्स जो होते हैं ना, लिपिड्स इसके लिए जो है मैं शुरुआत करूंगा कि इसको हेटरोजिनस कहा जाता कंपाउंड। एक हेटरोजिनस जो है बेटा वो कंपाउंड कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखें हाइड्रोकार्बन्स के अंदर बेसिकली जो है ये तीन एटम तो होते ही हैं, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमने ये बात कार्बोहाइड्रेट में भी डिस्कस की। यहां लिपिड्स के अंदर बेटा इसके अलावा फास्फोरस और सल्फर भी बड़ी मोस्ट अबंडेंटली पाया जाता है, बल्कि फास्फोरस तो आप पढ़ोगे भी, ठीक है ना, फास्फोलिपिड्स में देखें ना फास्फोरस जो है ये पाया जाता है फास्फोलिपिड्स के अंदर। तो यही वजह है ये हेटर एटम्स है, ये हेटर एटम क्योंकि इसके अंदर पाए जाते हैं तो इस वजह से इनको हेटरोजिनस जो है बेटा वो कहा जाता है। ठीक हो गया। नंबर दो, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। ये क्या होते हैं? दीज आर हाइड्रोफोबिक्स। हाइड्रोफोबिक का मतलब मैं बता चुका हूं कि ये वाटर इनसोलबल होते हैं, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि इसके अंदर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन पाई जाती है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होने की वजह से ये इनसोलबल इन वाटर होते हैं। तीसरी बात आपकी बुक में जो है बेटा वो लिखी हुई है, वो क्या है? वो ये है कि बेटा ये कार्बोहाइड्रेट के निस्बतन स्टोर करते हैं, स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। वाई? देखें उसकी भी वजह बताता हूं मैं। इसके अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बेटा वो मोर होते हैं, वो क्या होंगे? वो मोर होंगे। इसी तरह जो कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड होते हैं वो लेस होते हैं। आपको पता है कि हमारी फूड में यही बॉन्ड पाया जाता है जिससे जिसको ब्रेक करके हम एनर्जी हासिल करते हैं। तो लिपिड के अंदर कार्बोहाइड्रेट की निस्बतन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ज्यादा होते हैं और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो कम होते हैं। ये वो वजह है जिसकी वजह से लिपिड जो है वो डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है बेटा वो स्टोर करते हैं एज कंपेयर टू जो है वो कार्बोहाइड्रेट के। चलें उसके बाद कुछ अगली बातें करते हैं। देखें देखो बेटा ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, इनकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। देखें इनकी एग्जाम्पल्स में सबसे पहले जो हमने डिस्कस करना है ना वो डिस्कस करना है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत सारे हैं, लेकिन इससे समझने से पहले हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो लेना है, दैट विल बी अ एस्टर। एस्टर क्या होता है? देखो बेटा जब कोई अल्कोहल एसिड के साथ मिलती है, एसिड जब अल्कोहल के साथ मिलता है तो बेटा क्या बनता है? वो बनता है एस्टर, एस्टर बन जाता है। अब देखें मैं बनाता हूं, यहां सबसे सिंपलेस्ट CH3COOH, दिस इज कॉल्ड द एसिटिक एसिड। ये क्या कहलाएगा? एसिटिक एसिड। जब बेटा ये मिलेगा अल्कोहल के साथ, ये आप जानते हो दिस इज अ एथाइल अल्कोहल, ये क्या होता है? दिस विल बी एथाइल अल्कोहल। जब ये मिलेगा बेटा तो यहां पर क्या होगा कि इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोक्सल ये आपस में मिलेंगे, मिल गए, ये बन जाएगा वाटर, ये बनेगा CH3COO। यहां पर आप बेटा यूं भी लिख सकते हो इसको, ठीक हो गया, प्लस यहां पर जो है ये बनेगा वाटर। ये जो बॉन्ड बना है बेटा इसको असल में कहा जाता है एस्टर बॉन्ड, ठीक है ना, ये एस्टर बॉन्ड कहलाता है। और इस केमिकल का नाम होता है इथाइल एसीटेट, ये एक एस्टर है। ये तो हमने जनरल उसमें पढ़ा ना कि मतलब एस्टर क्या होता है, कि जब वो एसिड और अल्कोहल मिलेगा। असल में हमने तो ट्राइग्लिसराइड डिस्कस करने हैं, तो ट्राइग्लिसराइड कैसे बनते हैं ये बात भी मैं आपको समझाता हूं। देखें ट्राइग्लिसराइड जो है बेटा वो किस तरीके से बनता है? ट्राइग्लिसराइड जो है वो बनते हैं फैटी एसिड से। किससे बनते हैं? दे आर मेड फ्रॉम फैटी एसिड। ये देखें लिखा हुआ है, फैटी एसिड की टाइप्स लिखी हुई है कि ये किस चीज से बनते हैं, ये फैटी एसिड से बनते हैं। अब फैटी एसिड क्या होता है आपको मैं पहले एक फंक्शनल ग्रुप बताता हूं। देखें
एक फंक्शनल ग्रुप ये होता है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, आपको इसका नाम पता होगा, आपने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आप इसको लिख सकते हो ऐसे, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक हो गया, इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहा जाता है। फैटी एसिड में ये ग्रुप कंपलसरी है, लाजमी पाया जाता है। अगर इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के एक साइड के ऊपर एक साइड चेन आ जाए तो बेटा ये क्या बन जाती है, दिस विल बी अ फैटी एसिड, दिस विल बी अ फैटी एसिड, ठीक हो गया। अब फैटी एसिड जो होते हैं वो बेटा स्मॉल भी होते हैं, लार्ज भी होते हैं। देखें देखें मैं कुछ फैटी एसिड बनाता हूं, देखें पहले आप ये देखें, ये बन गया फंक्शनल कार्बन, यहां पर R की जगह पर अगर मैं यहां लगा दू CH3 तो इट विल कॉल द एसिटिक एसिड। ये स्मॉलेस्ट फैटी एसिड है, सबसे छोटे फैटी एसिड के अंदर दो कार्बन होते हैं, इसमें जो जो कार्बन, ये जो कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन है ना फंक्शनल, यहीं से गिनती शुरू होती है, ये दूसरा कार्बन है, दो कार्बन वाला सबसे छोटा जो है बेटा वो फैटी एसिड जो है बेटा वो होता है। इसी तरह अब आप देखें, मैं एक और बना देता हूं, ये ले, ये ले, ये जो है बेटा इसको कहेंगे आप प्रोपानोइक एसिड, क्या कहेंगे, प्रोपन। इसी तरह चार वाला बना दूंगा ब्यूटायरिक एसिड, इसी तरह नंबर बढ़ते जाएंगे। जो फैटी एसिड के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं बेटा वो 2 to 30 होते हैं यूजुअली, और ये हमेशा इवन नंबर होते हैं, इवन नंबर में होते हैं, कौन से नंबर में होंगे, ये इवन में होता है, नेचर के अंदर ये इवन नंबर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक हो गया। चले अब मैं जो है बेटा आपको बताता हूं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या फर्क होता है। जनाब यहां पे जो है वो लिखा हुआ है, चले मैं बता देता हूं आपको, कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जनाब एक है सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। देखें सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक हो गया, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान में वन और मोर डबल बॉन्ड्स होंगे या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, वो कहलाएगा जो है बेटा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसकी एग्जांपल भी मैं बताऊंगा। अच्छा फिर दूसरी बात, ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ये नेचर में सॉलिड होते हैं, सॉलिड इन नेचर, नेचर में ये क्या होते हैं, ये सॉलिड होते हैं, जबकि जो ये है बेटा ये लिक्विड इन नेचर होते हैं, नेचर में ये लिक्विड की फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक हो गया। ये जो है बेटा मोस्टली ये एनिमल फैट होती है, एनिमल फैट जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, और ये जो है बेटा ये प्लांट ऑयल्स होते हैं या प्लांट लिक्विड फॉर्म में होते हैं, प्लांट ऑयल्स होते हैं मोस्टली ये। अच्छा अब देखें, अब ये जो प्लांट ऑयल होते हैं ना, आप इनको इनकी जो है बेटा वो खत्म कर सकते हो, सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में बदला जा सकता है वाया हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन, ये आपने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में कि आप हाइड्रोजिनेशन करते हो और ऑयल से क्या बना लेते हो, वनस्पति घी बना लेते हो, बनाया ना, ये होता है प्रोसेस कि सिंपल आप हाइड्रोजिनेशन करें उसके डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे और वो लिक्विड से सॉलिड फॉर्म के अंदर आ जाएगा। तो ये चीज जो है बेटा वो आपने इसके अंदर याद रखनी है। अब इसकी एग्जाम्पल जो है बेटा वो होती है ओलिक एसिड, कौन सी एग्जाम्पल होती है, दिस विल बी अ ओलिक एसिड, जबकि इसकी एग्जाम्पल में आप ब्यूटायरिक एसिड पाल्मिटिक एसिड भी जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, पाल्मिटिक एसिड भी इसकी एग्जाम्पल्स के अंदर जो है बेटा वो आ जाते हैं। मेरा ख्याल है ये इजी था, बट ये आपको देखना है लाजमी, इसको प्रिपेयर लाजमी करना है, ये एमसीक्यूज के हवाले से जो है ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैं ना कुछ फैटी एसिड लॉन्ग फैटी एसिड बनाता हूं, फिर उसके हिसाब से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करूंगा। देखें देखो बेटा, मैं देखें सबसे पहले मैं बनाता हूं जी, ये हो गया जी फंक्शनल कार्बन, ठीक हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देन CH2 तीन चार पांच छ सात आठ
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। पहला कार्बन आप इसी को लिखोगे और ये कौन सा है? 16वां। देखिए कार्बन और कार्बन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड। और ये एग्जांपल है पाल्मिटिक एसिड की। किसकी एग्जांपल है? पाल्मिटिक एसिड की। ओके, हो गया। अब मैं ओलिक एसिड बनाता हूं, समझने वाली बात है। देखिए फंक्शनल कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना? 8 हो गया। ये आ गया CH डबल बॉन्ड CH, ये हो गया 9वां और ये है 10वां। इसके दरमियान में एक डबल बॉन्ड है। फिर आ गया 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये आ गया 18। 18 कार्बन इसके अंदर होते हैं ओलिक एसिड के अंदर, ठीक हो गया। और यहां पर ये 9वें और 10वें के दरमियान में यहां पर अनसैचुरेशन जो है बेटा वो पाई जाती है। ये आपने याद रखना है, ये बात भी एमसीक्यूज में पूछी जाती है कि जनाब जो ओलिक एसिड है वहां पर अनसैचुरेशन कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के दरमियान में एक डबल बॉन्ड जो है बेटा वो पाया जाता है। इस एक डबल बॉन्ड की वजह से ही ये लिक्विड फॉर्म में होता है और यहां सारे सिंगल बॉन्ड है, तो दैट्स व्हाई ये जो है बेटा वो जो है ये होता है सैचुरेटेड। अब मैं ना आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, देखें वो क्या है बेटा। ये अब हम डिस्कस करते हैं इनकी सोलबिलिटी। ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट बता रहा हूं, सोलबिलिटी। देखो बेटा सोलबिलिटी की बात करो तो ये जो है बेटा वाटर इनसोलबल होते हैं, ऐसे ही है ना, वाटर इनसोलबल होते हैं। जबकि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं जिनको आप नॉन पोलर सॉल्वेंट बोलते हो, उनमें ये सोलबल होते हैं। ऐसे ही होता है कि उनके अंदर ये हल हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों है? देखो बेटा आप नोट करें कि इसके अंदर एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन है, नोट करें, एक लंबी हाइड्रोकार्बन की एक चेन है। और ये जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है बेसिकली ये नॉन पोलर ही तो होती है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक होती है। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर इन नेचर, खुद ये ऑर्गेनिक है। तो जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती चली जाएगी इसका जो ऑर्गेनिक नेचर है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, इसका नॉन पोलर नेचर बढ़ता जाएगा। तो दैट्स व्हाई इसकी सोलबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर इंक्रीज होती जाएगी और वाटर में कम होती जाएगी। ये उसकी वजह ये चेन है। चेन छोटी होगी तो सोलबल भी, क्योंकि कम ऑर्गेनिक होगी, कम नॉन पोलर होगी। जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ाते जाओगे, कार्बन की चेन हाइड्रोकार्बन जो चेन होती है ये नॉन पोलर चेन होती है, ये ऑर्गेनिक इन नेचर होती है। इससे ऑर्गेनिक नेचर जैसे इसका बढ़ेगा इसकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोलबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। सेम बात आ जाएगी मेल्टिंग पॉइंट को लेकर, कि चेन अगर छोटी है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, चेन अगर बड़ी है तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। मसलन आपके पास दो एग्जांपल है, ब्यूटेरिक एसिड है ना, दो एग्जांपल ब्यूटेरिक एसिड और दूसरी है बेटे पाल्मिटिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड में आपने पढ़ा कि -8 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, जबकि पाल्मिटिक एसिड में पढ़ा आपने 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है। यह बात आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। फिर बेटा एक बात और बताता हूं आपको, वो क्या है? वो आपने नोट किया होगा कि जो आपने नोट किया होगा कि ये जो फैट होगी ना, फैट ये आप अगर इसको पानी के अंदर हल करें तो ये ऊपर तैरना शुरू कर देते ऐसे फटकड़ियों की फॉर्म में, है ना। आप कभी घी डाले पानी में, गर्म नहीं करना नहीं तो आग लग जाएगी, लेकिन बहरहाल ये फैट डाल दो ऊपर तैरना शुरू कर देती है। तो अब जो है बेटा ये फैट जो है ये ऊपर, इसका क्या मतलब है कि फैट हल्की होती है पानी भारी होता है, ये बात हमें पता लगती है स्पेसिफिक ग्रेविटी से, बेसिकली ये डेंसिटी ही होती है। तो ये जो फैट होते हैं, लिपिड्स जो होते हैं बेटा, लिपिड्स इनकी होती है 0.8, जबकि वाटर की जो होती है वो होती है 1, पूरी 1। तो ये ज्यादा है पानी की,
फैट की कम है, तो यहीं से हमें जो है बेटा इस बात का अंदाजा हो जाता है कि जो फैट होते हैं वो पानी से हल्के होते हैं, यही वजह कि वो सरफेस के ऊपर फ्लॉट करते हैं। ये बात आपने, अच्छा हम बात कर रहे थे देखो जब फैटी एसिड का हमें पूरा बात पता चल गई ना, तो डेफिनेट सी बात है अब हम आगे जो है वो ट्राइग्लिसराइड की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। देखो बेटा ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं वो तीन फैटी एसिड और एक अल्कोहल होती है जिसमें तीन OH ग्रुप फंक्शन ग्रुप होते हैं वो पाए जाते हैं, उसको ग्लिसरोल कहा जाता है। अगर दो OH वाला हो तो वो कहलाता है ग्लाइकोल, तीन हो तो बेटा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा देखें ये आपको दिखाई दे रहा, अगर यहां दो OH वाला होता ना, ये तीसरा कार्बन ना होता तो ये ग्लाइकोल होता, तीन वाला तो ये ग्लिसरोल है, और ये तीन फैटी एसिड है, एक पहला फैटी एसिड, दूसरा और ये तीसरा, तो दैट्स व्हाई यहां लिखा हुआ थ्री फैटी एसिड्स, ठीक हो गया, और ये ग्लिसरोल। अब बेटा अब यहां पर इनके दरमियान में एस्टर बॉन्ड बनेगा। अब यहां ना एक क्वेश्चन बड़ा ही मतलब जो है वो यहां पर डिस्कस होता है, वो क्या कि जनाब ये बताएं कि यहां भी OH है यहां भी OH है, कौन OH देगा कौन H देगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है। देखो बेटा मेरी बात सुने, बायो में तो खास इसकी कोई स्पेसिफिकेशन है ही नहीं, आप कहीं से भी OH ले सकते हैं, उसकी वजह बताता हूं। आप अगर रेफरेंस किताबें उठाए ना, मैंने देखी है बहुत सी किताबें, तो उनमें किसी में जो है बेटा वो OH लिया गया फैटी एसिड से, और किसी में जो है वो OH लिया गया है ग्लिसरॉल से, तो उनमें कोई रूल नहीं उन्होंने बनाया, केमिस्ट्री में बहरहाल इसका बहरहाल कोई ना कोई रूल है। तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं, कॉन्सेप्ट दे देता हूं, उसके बिहाव पर आपके लिए डिसीजन करना आसान हो जाएगा। वो क्या, आप देखो एसिड के पास होता है प्रोटॉन, और किसी भी बेस के पास जो है वो उसका जो फंक्शनल चीज होती है वो उसका OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहां पर यही चीज होगी, देखें हम यहां पे इसका फंक्शनल चीज ले लेंगे, यहां से इसकी फंक्शनल चीज ले लेंगे, ये ले ये ले, ये हम जो है बेटा वो अटैच कर देते हैं, ये तीनों अटैच हो गए, और ये क्या हुआ कि तीन वाटर मॉलिक्यूल बन गए, थ्री वाटर मॉलिक्यूल, और ये ऑक्सीजन जो बचा है ये वाला ये अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ। आप ये देखें ये वाला जो बॉन्ड है बेटा इसको कहा जाता है एस्टर बॉन्ड, इसको क्या कहेंगे, इसको एस्टर बॉन्ड कहेंगे, और ये बन गया ट्राइग्लिसराइड, क्या बन गया ट्राइग्लिसराइड बन गया, इसको न्यूट्रल लिपिड भी कहा जाता है, इसको हम न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं। इसको क्यों कहते हैं न्यूट्रल लिपिड, देखो बेटा इसको न्यूट्रल लिपिड इस वजह से कहा जाता है कि यहां पर जो फैटी एसिड है उसके जितने प्रोटॉन्स और जो अल्कोहल है उसके जितने OH वो सारे के सारे इस्तेमाल हो जाते हैं और वाटर बन जाते हैं, और ओवरऑल ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो जाता है। दोबारा बता रहा हूं कि फैटी एसिड के जिसके पास जितने प्रोटॉन थे जिसकी वजह से उसका एसिडिक नेचर था वो सारे इस्तेमाल हो गए, बेस जो अल्कोहल है उसके जितने OH थे वो सारे इस्तेमाल हो गए, तो डेट्स वाई ये ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल बन जाता है, तो इसको आप न्यूट्रल लिपिड जो है बेटा वो बोल देते हो। एक बात मैंने आपको शुरू में बताई थी कि लिपिड ट्रू पॉलीमर नहीं होते, क्योंकि वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बने होते हैं, मोनोमर नहीं, उनका कोई प्योर मोनोमर नहीं होता, ठीक है ना बेटा। यहां पर हमारा फैटी एसिड का ट्राइग्लिसराइड का जो कंसेप्ट है, मेरा ख्याल है कि वो आपका बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर हो गया, फिर भी आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछिएगा। यहां पे हमारा पहला लिपिड का जो लेक्चर है वो बेटा वो मुकम्मल होता है, बाकी पोर्शन इंशाल्लाह मैं आपको सेकेंड लेक्चर के अंदर करवाऊंगा। थैंक यू।